कोरोना संक्रमण में सबसे बड़ी समस्या ऑक्सीजन की आई थी। इसी को लेकर शासन प्रशासन ने ऑक्सीजन की व्यवस्था को लेकर विभिन्न प्रयास किए। जनता और जनप्रतिनिधियों की मांग पर जिला प्रशासन ने नीमच में ऑक्सीजन प्लांट चालू करने के लिए प्रदेश सरकार को अवगत भी कराया था। कल घाटधार जिले से ऑक्सीजन मशीन नीमच पहुंची। इस दौरान नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार, नगर पालिका सीएमओ सीपी राय, सिविल सर्जन डॉक्टर बीएल रावत आदि जिला चिकित्सालय के समीप बन रहे प्लांट पर पहुंचे और व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। इसके साथ ही विधायक ने ऑक्सीजन मशीन नीमच लेकर आने वाले ट्रक ड्राइवरों का भी पुष्पमाला पहनाकर सम्मान किया। विधायक दिलीप सिंह परिहार और सिविल सर्जन डॉक्टर बीएल रावत का कहना है कि ऑक्सीजन मशीन नीमच में आ गई है। मशीन को जल्द ही जिला चिकित्सालय स्थित प्लांट में लगवाया जाएगा ताकि ऑक्सीजन प्लांट का कार्य शुरू हो सके। देखिए, माननीय विधायक महोदय और सांसद महोदय और अन्य जनप्रतिनिधियों के सहयोग से जो प्लांट हमारे यहाँ बनने वाला है, इसकी 330 लीटर की कैपेसिटी है मेरी जानकारी में, और करीबन इसमें 100 सिलेंडर करीब रोज फिलिंग की कैपेसिटी रहेगी। प्लांट का सामान आ गया है तो उम्मीद है कि एक आध हफ्ता के अंदर इंस्टॉल होके ये चालू हो जाएगा और जिला अस्पताल के मरीजों को इसका लाभ मिलने लग जाएगा। सर, ये रिफिलिंग होगा इसमें या डायरेक्ट? इसमें दोनों ही सिस्टम रहेंगे, ये लाइन में सीधे सप्लाई भी करेगा और जरूरत हुआ तो हम सिलेंडर भी फिल कर सकते हैं। प्रतिदिन कितने सिलेंडर से भरा सकते हैं? इसमें लगभग 100 सिलेंडर के आसपास पर डे भरने की कैपेसिटी रहेगी। लंबे समय से इसका इंतजार था। हमने देखा कि उस समय जब आपाधापी हुई, ऑक्सीजन की कमी पड़ी, तो उनको ऑक्सीजन के अभाव में कई लोगों को खोना पड़ा, और उस समय हमने ये निर्णय लिया था जिलाधीश महोदय और हमने मेटके के नियमित जिला स्थान पर एक ऑक्सीजन प्लांट लगे, और उसके लिए मैंने विधायक निधि से भी 30 लाख रुपए और कुछ बाजार से इकट्ठे करके और 55 लाख का जनभागीदारी करके, विक्रम के सहयोग से, और हमने जनभागीदारी करके और इसको यहाँ स्थापित करने के लिए आर्डर दे दिया था। तो मल्लारगढ़ नारायणगढ़ और मनासा में पहले आर्डर ले रखे थे, इसलिए वहाँ लगने के बाद अभी जिलाधीश महोदय और हमने इनसे बात करी थी तो इनने कहा था 2-1 दिन में हम आएंगे, तो आज ये आ गए हैं और यहाँ प्लांट की स्थापना होगी और ऑक्सीजन की कमी दूर होगी। ये धार जिले से लाए हम, खलगाड़ से। काई के लिए ये ऑक्सीजन के लिए हॉस्पिटल में लाए। ऑक्सीजन कहाँ से आई है? ये पीएम प्रोजेक्ट से आई, धार जिले से। कल निकले थे रात को कि हॉस्पिटल लेके जाना है, पता है, सरकारी हॉस्पिटल। क्या करता है?